हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आई टेक अब इन द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुबिन। आज की इस प्राण वीडियो में बात करने वाले कि रिसेंटली एप्पल ने iOS 18 के अंदर डार्क मोड में एप्लीकेशंस आइकॉन को भी डार्क का ऑप्शंस दिया गया है। आईफोन यूजर्स का कहना है कि मैंने अपने आईफोन के अंदर डार्क मोड ऑन किया है, बट स्टिल यहाँ पे मेरे आइकॉन लाइट ही दिख रहे हैं। करंटली मेरे पास आईफोन 7 प्लस है तो यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शंस डिफरेंट रहेगा। आपके पास लेटेस्ट आईफोन है तो डार्क मोड ऑप्शंस डिफरेंट रहने वाला है। इस प्रॉब्लम को अपने आईफोन की तरफ से कैसे फिक्स करेंगे, उसके लिए सिंपल आपको अपने आईफोन के अंदर स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी होम स्क्रीन है वहाँ पे जहाँ पे भी जगह मिलती है वहाँ पे टैप एंड होल्ड करके रखिए। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सिंगल होने लगेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको एडिट ऑप्शंस मिलता है तो सिंपल आपको उसके ऊपर टैप करना होगा। जैसे ही आप एडिट पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शंस मिलता है कस्टमाइज का, तो सिंपल आप अगेन उसके ऊपर टैप कर लीजिए। जैसे ही कस्टमाइज पे ऊपर टैप करोगे तो आपको बॉटम से एक स्लाइडर या तो एक ऑप्शंस मिलता है जहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लाइट मोड सिलेक्टेड है। उसका मतलब है कि आपने अपने आईफोन के अंदर डार्क मोड को तो ऑन कर लिया, बट स्टिल आपके आईकॉन या तो आपका इंटरफेस है वो लाइट ही रहने वाला है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शंस दिया गया है। जैसे ही आप डार्क मोड एनेबल करोगे तो आइकॉन डार्क हो जाएंगे, लाइट करोगे तो लाइट हो जाएंगे। क्या आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम था, आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो के लिए हमको इंस्पिरेशंस मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।